मोदी जी नोट बंद करने के लिए पार्लियामेंट 12 बजे तक खोल के रखे थे। ममता बांग्लादेशी है, कल पहुंच जाते हो और जगह में जो रेबरो बेटी नहीं है। 2011 से ममता दी जी जब से आया वो रेपिस्ट का समर्थन रहा। एक औरत हो कि एक बयान आया है उसमें ममता दीदी कह रही है कि अगर बंगाल जलेगा तो उत्तर प्रदेश भी जल जाएगा, बिहार भी जल जाएगा, झारखंड भी जलेगा और पूरा देश जलेगा। जलेगा कभी नहीं जलेगा, बंगाल ही जल सकता है, कभी नहीं जलेगा भाई। आपको क्या लगता है ममता दीदी बिल्कुल गलत बोल रही है? बहुत गलत एकदम। वो चाटा मारेंगे, हम चाटा मारेंगे उसको, हम ममता को जिस तरह मोदी सरकार बोला है कि हम तुम्हारा चाटा मारो, हम उसको चाटा मारेंगे। मतलब बंगाल जलेगा लेकिन देश नहीं जलेगा? नहीं, बंगाल कहाँ जलेगा, बंगाल भी जलने नहीं देंगे हम। मतलब लेकिन ममता दीदी कह रही कि मोदी के कुछ आदमी हैं वो आएंगे और हमारे बंगाल को जलाने की कोशिश करेंगे? कभी नहीं, बंगाल मेरा भाई, पूरा हिंदुस्तान मेरा, कैसे जल जाएगा एकदम। लेकिन ममता तो कह रही कि बीजेपी वाले जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बांग्लादेशी है, ममता बांग्लादेशी है, हाँ बांग्लादेशी। सबसे बड़ा खबर ये है कि ये कह रहे कि ममता बांग्लादेशी, आपको इसमें क्या कहना है? वो है ये बांग्लादेशी, सही में कितने घुसपैठिया उन्होंने कर रखे हैं, अभी पूरा घुसपैठिया वही कर, आधे से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड बना रखे अपनी वोटर आईडी के उसके चक्कर में। अब लगा लो, मैं तो दिन रात न्यूज देखता रहता हूँ। लेकिन ममता दीदी का ये कहना है कि बंगाल में और कोलकाता में जो भी केस हो रहा है, जितने भी रेप कांड हो रहे हैं, जितने भी भद्दड़ मचाए जा रहे हैं और जितना भी हुल्लड़बाजी, पत्थरबाजी और आंसू गैस के खोले जो भी खेले जा रहे हैं, वो सब बीजेपी का किया कराया है। पहले ये बताओ का पहले प्रदर्शन पे आया कौन था? पहले वही आई थी ना ममता अपराधी के विरोध में 2011 से, तो उसके बाद बीजेपी ने लिया है। बीजेपी ने अब 2-3 दिन में वो मतलब, लेकिन बीजेपी ने तो ये बोल दिया कि 12 घंटे तक बंगाल बंद रहेगा। तो बंद रखना इसलिए ना क्योंकि उस अपराधी को सजा ही नहीं हो रही जी। अगर वो सजा दिलवा देती या उसे पकड़वा देती, उसके सबूत मिटा रही। पहले लड़की को बताया कि आत्महत्या कर ली जी। बताया था ना जी। उसके बाद में जब वो उसका वो हुआ जी, तो जी। बाद में वो बताया गया कि हाँ उसको केस दबा रहे। 26 घंटे बाद 2011 से ममता दीदी जब से आया वो रेपिस्ट का समर्थन रहा। एक औरत हो कि एक औरत मुख्यमंत्री, उस रेपिस्ट का सब बड़े बचाव करने लग गया। आज से देख लो इतिहास, जो कि महिला है हमारे देश, हाँ महिला मुख्यमंत्री, लेकिन वही करते। वोट टाइम आएगा तुम देख लेगा, गरीब गरीब बाइक में आएंगे, टाइम में छोड़ दूंगा, दे लेके चला जाएंगे, सुबह छोड़ दूंगा। आप भी सोचते हैं कि बंगाल में जो भी हो रहा है, जितने भी रेप केस हो रहे, सिर्फ ममता दीदी का, ममता दीदी का बच्चा, सिर्फ ममता दीदी का। ये सीपीएम ऐसे ना, इतना नृशंस नहीं था सीपीएम जितना ममता दीदी करवा रहा। हाँ भाई साहब, आपसे सबसे बड़ा एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ ये है कि आज बीजेपी, बंगाल के बीजेपी ने कह दिया कि 12 घंटे तक आज बंगाल बंद रहेगा, और ममता दीदी ये कहती है उसके सामने कि बंगाल में जो भी आज एब्सेंट मारेगा उस सबको सस्पेंड कर देंगे। नहीं, बंगाल में पहले तो ममता को इस्तीफा देना चाहिए जी। उसके कारण जो डॉक्टर के, जो डॉक्टर का रेप किया, उन लोगों को सालों को पकड़ के चौराहे पे फांसी देनी चाहिए सो को। और उनके धरने में बैठने से क्या होता है? धरने में बैठने कुछ नहीं होता, ऐसों को तो सालों को रोड में गोली मारनी चाहिए। बात कर दूं, हमसे बात कर रहा है, ऐसे तो गोली मारनी चाहिए, तो उसको धरने से बैठने से। भाई जान, आपको क्या लगता है ममता दीदी जो करा रही है बंगाल में वो सही है गलत है? ममता को इस्तीफा, बार बार जो ये भी बोल रहा है, बार बार बंगाल पहुंच जाते हो और जगह में जो रेबरो बेटी नहीं है, बेटी सब जगह की क्यों नहीं बोल रहा है? हर जगह में बेटी का साथ हो रहा, चाहे किसी मजहब के साथ हो रहा, वो इन सब होना चाहिए उनके साथ। ये एक तरफा बात क्यों करता है इन लोग? बार बार खाली बार बार कलकत्ता कलकत्ता, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, कोई भी जगह हो, रेप रेप होता है। एक बेटी का साथ रेप होता है ना, एक बेटी का साथ अगर रेप हो रहा है तो पूरी समाज के साथ हो रहा है। ये बोलना चाहिए, बार बार हुआ ही घुस जाते हो, ठीक है, तो क्यों वो हाईलाइट हो गया? और जो हाथरस का अंदर हुआ, वो गरीब की बेटी है, दलित की बेटी, इसलिए आवाज नहीं उठ रहा, इनके चोचला बंद हो जाता है। मैं तो मान, एक खाना नहीं खाता है, गोबर खाता है। एक मिनट मेरा घर मैदनपुर, ठीक है, ठीक है, मैं बोलता था
कोई गारंटी देगा, कोई गारंटी देगा रेप नहीं होगा, ठीक है? आप माँ बहन सुरक्षित रहेगा, कौन गारंटी देगा? ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि रेप रेप होता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी स्टेट का हो, लेकिन आपको क्या लगता है भाई साहब? आप एक बात बताइए कि हाथरस में भी केस हुआ, उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी केस हुआ, कोलकाता में भी हुआ, क्या एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट? बिल्कुल कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए, जो ऐसा जघन्य अपराध करता है उसके लिए सजा सबसे कड़ी होनी चाहिए। जब भी ये साबित होता है, ऐसे नहीं कि देख के गोली मार दो, ऐसा नहीं कहते, जब ये साबित हो जाता है कि इसने ऐसा किया, किसी किसी केस में देखा 12-12 साल लग जाते हैं। मुझे मेरे कहने का मतलब है, अगर ये डर होगा कि मुझे इसकी सजा इतनी कड़ी मिलेगी, किसी और बाहर की कंट्री में देख लो जैसी सजा है, एक दिन सजा कड़ी हो गई ना, उस दिन अपने आप आदमी के दिमाग में ये सबसे अहम मुद्दा निकल के जो आ रहा है वो ये है कि जहां भी रेप केस होता है या बलात्कार के केसेस होते हैं, कोई ऐसा आदमी क्या रहता है जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता, जैसे कि दिल्ली के केस में हुआ, लेकिन बंगाल एक लौतल स्टेट है जिसमें केस जो हुआ उसमें ये हुआ कि पुलिस का अधिकारी, पुलिस का आदमी ही रेपिस्ट था। तो इस नैतिकता के आधार पर क्या ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए। कल कल अंदर जो रेप, सुन लीजिए मेरी एक बात बताइए, मैं आपकी बात पूछ रहा हूं, क्या ममता दीदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि पुलिस का उसी का आदमी था? बात सुनिए, जो कलकत्ता में जब रेप का मामला चल रहा था ना, जो उनका कार्रवाई हो रहा था, मैं जब न्यूज में देख रहा था जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, रेपिस्ट को कार्रवाई कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा था। फिर जब ममता बनर्जी जो फोटेज कर रहे थे ना, मेरे को ये समझ में, किसके लिए बैठे थे जी? ये गलत हुआ है, उस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे थे, ये राजनीति कर रहा था। मैं तो कहता हूँ, अभी तक ममता जो नाम है, ममता का मतलब क्या हुआ जी? प्यार करने वाला, मोहब्बत, मोहब्बत, वो लड़की के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, मैं इसका निंदा करता हूँ। और दूसरी बात, हमारा दिल्ली के अंदर भी रेप हुआ है, वो क्यों नहीं दिखा रहे आप? लेकिन क्या आप मेरी बात का, ये क्या मेरी बात का जवाब देंगे? ममता का ही पुलिस वाला इस रेप को किया, तो ममता को नैतिकता के आधार पर निंदा कर रहा हूँ? बिल्कुल हुआ, तो एक रेप हुआ बेटी के साथ, भाईजान निंदा करने से क्या होगा? सुन लीजिए, ये राजस्थान का अंदर 100 बलात्कार करा है, उसको उम्र कैद क्यों दिया जी? जो 100 बेटी के साथ रेप करा है उसको क्या उम्र कैद दे रहा है? ये कहने से भी इंसाफ मिला? आपको क्या लगता है, इनका बात बिल्कुल सही है, राजस्थान में भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? सबसे रेप होता बंगाल में जी, संदेश काल देख लो, एक आदमी संदेश काल कितना, रुक जाओ, बंगाल में इतना कैसे, जो बाहर निकलता बाहर निकलता, और जो अंदर रह जाता जैसे संदेश काल देख लो, वो कितना आदमी कर चुका, माने क्या कर चुका बोलो? लेकिन रुद्रपुर में भी केस हुआ है, हाथरस में भी केस हुआ है, दिल्ली में भी केस हुआ है, कर्नाटक में भी, बोलूंगा तुम चला जाएगा मणिपुर, हम मणिपुर का बोलूंगा तुम राजस्थान। मैं बोला किसी बेटी का साथ भी हो रहा है वो गलत हो रहा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी कौम का हो, उस बेटी का साथ इंसाफ होना चाहिए। मोदी जी नोट बंद करने के लिए पार्लियामेंट 12 बजे तक खोल के रखे थे, मगर बेटी के लिए कानून क्यों बना रहे हो आप? आगे 11 साल हो गया, ये इसलिए इसमें क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी कानून नहीं बना रहे, कब बनाना चाहिए मोदी जी को कानून? भला अभी बनाना चाहिए, रेप हो रहे तो अभी बनाना चाहिए, मोदी जी कुछ आगे कर ही नहीं रहे। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खामे झूठा नारा, झूठे हर चीज को झूठ बोलना मोदी का काम है। लेकिन मोदी जी को, लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी बजाय कानून बनाने के वो सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं? कुछ नहीं, इस्तीफा से हो जाएगा समाधान, बंद हो जाएगा। तो मोदी जी को बिल लेके आना चाहिए, तो इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? नहीं, ममता सरकार को भी नहीं मांगना, हमारे देश में इतना कानून मौजूद है जी। कोई पालन करता